Hello students, today we will start integral domain. Okay, ring theory पढ़ रहे हैं बेटा अपन, integral domain अपन discuss कर लेंगे. बेटा integral domain की definition की है. A ring is called integral domain if बेटा ये रिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ नंबर वन इट इज कॉमोटेटिव. कॉमोटेटिव मीन्स बेटा ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. ओके सेकंड बेटा हैज यूनिटी. Has unity means identity. की सी बेटा a into one equal to a equal to one into a. One belongs to a belongs to a. For all a belongs to a. Third, ठीक है बेटा. Third point की है is without zero divisor. Is without zero divisor. Okay बेटा. First बेटा ए रिंग इज कॉल्ड अपर रिंग नु की कहोगे बेटा कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ नंबर वन इट इज कॉमोटेटिव. कॉमोटेटिव मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए है यूनिटी. ए इंटू वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन इंटू ए विदाउट जीरो डिवाइजर की सी बेटा ए बी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो. फर्स्ट बी कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ इन्फाइनाइट रिंग. सेट ऑफ इंटीजर रख ले बेटा आर की है सेट ऑफ इंटीजर. दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज इंटीग्रल डोमेन क्यों है बेटा सेट ऑफ इंटीजर. दिस वन इंफिनाइट रिंग फिर वो फाइनाइट रिंग बेटा. इंटीग्रल डोमेन क्यों है बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर है बेटा. नेचुरली ए बी इक्वल टू बी होगा कॉमोटेटिव. वन इंटू टू इक्वल टू टू इंटू वन. थ्री इंटू टू इक्वल टू टू इंटू थ्री है यूनिटी. एक ए इंटू वन इक्वल टू वन की है बेटा यूनिटी. ओके नेक्स्ट विदाउट जीरो डिवाइजर ए बी इंटीजर है बेटा क्लियर है. जा तो ए जीरो होएगा जा की होएगा बेटा बी जीरो होएगा. सो बेटा क्लियर है बेटा अपने पॉइंट. सो जरा इनफाइनाइट रिंग है सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन. सेकेंड फाइनाइट बेटा जी फाइव जेड फाइव इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. This is a finite ring. और प्रूव करना बेटा इंटीग्रल डोमेन है. ओके फर्स्ट कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी बेटा इसको याद है बेटा किमें लिखते हैं मोडलू फाइव ए इंटू मोडलू फाइव थ्री इक्वल टू बेटा किस दे इक्वल आएगा वन. वी राइट दिस वन टू इंटू थ्री कॉन्करेंट वन मोड फाइव बेटा आप इस तरह भी लिख सकते. This one equal to 3 into 5 into 2. So this one is a commutative. बेटा देखो 3 into 2 concurrent 1 mod 5 इसमें बेटा पा इस मेथड ना भी लिख सकते हैं you know. बेटा मेरे first डे अपने ring का group theory start की थी उसने बीच में multiplicative modulo बेटा discuss की था सी. 3 into 2 modulo 5 बेटा. So both are equal. This one 3 into 2 concurrent 1 mod 5. सो बेटा केड़ी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करके फर्स्ट कॉमोटेटिव. ओके नेक्स्ट हैज ए यूनिटी बिकॉज वन की है बेटा इससे यूनिटी है बिकॉज कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. ए इंटू वन इक्वल टू ए जीरो इंटू फाइव वन जीरो वन फाइव वन इक्वल टू वन. ए है बेटा देखो ए की है उत्तर जीरो ए कितना वन टू फाइव वन टू. ओके बेटा डिवाइड देखो तो मीनिंग पता ना सिक्स ही सिक्स नो फाइव से डिवाइड कितना रिमाइंडर वन. सो टू इनटू वन टू फाइव टू आ गया बेटा. थ्री मोड लो फाइव वन फोर मोड लो फाइव वन. सो बेटा वन की आ गया पहले यूनिटी. नेक्स्ट विदाउट जीरो डिवाइजर बेटा ए बी इक्वल टू जीरो. देखो बेटा जे दिस एलिमेंट जीरो है वन एलिमेंट जीरो जीरो बनेगा बेटा. अपने दो ही प्रोडक्ट है बेटा जीरो इंटू फाइव वन जीरो जीरो इंटू फाइव अपर रख लिया बेटा टू. दिस वन इज जीरो
जीरो इंटू फाइव थ्री दिस वन जीरो फोर, सो बेटा वन एलिमेंट की आ रहा है बेटा जीरो आ रहा है, सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, सो दिस वन इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर, सो दिस वन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट रिंग, दिस वन इज ए फाइनाइट रिंग। बेटा हम एग्जाम्पल लेने पर रिंग है बट नॉट इंटीग्रल डोमेन, फॉर एग्जाम्पल रिंग बट नॉट इंटीग्रल डोमेन जेड सिक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, दिस वन इज ए रिंग बट नॉट सेटिस्फाई इंटीग्रल डोमेन कंडीशन की सी बेटा विदाउट जीरो डिवाइजर, दिस कंडीशन फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू बिकॉज हमने अपने कितने बेटा थर्ड इज नॉट ट्रू बिकॉज टू इंटू सिक्स टू दिस वन इक्वल टू जीरो, बेटा नो एवं लिख सकते हैं थ्री इंटू टू कॉन्करेंट जीरो मोर सिक्स, देखो यदि वैल्यू जीरो आ रही है बेटा दिस कंडीशन इज ट्रू बट ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, सो इन ए फाइनाइट रिंग रिंग तो है बेटा बट नॉट इंटीग्रल डोमेन, सो क्लीयर है बेटा। एंड बेटा आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट रिंग दी सेट ऑफ यह तो है बेटा फाइनाइट रिंग सेट ऑफ मैट्रिक्स टू बाय टू सच दैट ए आई जे सेट ऑफ रैशनल नंबर, ए आई जे की है बेटा रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रैशन, सो दिस वन क्लियरली इंटीग्रल डोमेन बट कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, देखो बेटा कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स वन जीरो 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 वन जीरो जीरो दिस वन इक्वल टू जीरो 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 एंड जीरो वन वन जीरो ए बी बी ए वन जीरो जीरो जीरो, बेटा क्लियरली इन मैट्रिक्स कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड जीरो जीरो वन जीरो, सो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, सो दिस वन इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, सो वी स्टार्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल डोमेन। बेटा क्लियर है इंटीग्रल ए रिंग इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन, नंबर वन कॉमुटेटिव यूनिटी थर्ड विदाउट जीरो डिवाइजर, बेटा थ्योरम है आपका प्रूव दैट, बेटा फर्स्ट थ्योरम थ्योरम फर्स्ट प्रूव दैट जेड एन इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम, बिकॉज बेटा हमने मैं एग्जाम्पल की थी जेड फाइव इज इंटीग्रल डोमेन बट जेड सिक्स इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, सो बेटा आप प्रूव कर लगे जेड एन इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम, ओके प्राइम नंबर, ओके बेटा बेटा आप प्रूव कर लगे इस लेट जेड एन की रख लिया बेटा इज एन इंटीग्रल डोमेन, टू प्रूव की प्रूव करना है एन इज प्राइम नंबर, ओके इफ पॉसिबल एन इज नॉट प्राइम, आपने कंसीडर कर लिया एन इज नॉट प्राइम नंबर, बेटा आपने कंसीडर कर लिया कॉम्पोजिट नंबर कंसीडर कर लिया, देन एन इक्वल टू ए बी, ए बी की है बेटा नेचुरल नंबर एंड वन लैस दैन ए बी लैस दैन एन, बेटा इसकी वैल्यू वन तो ग्रेटर तो लैस दैन की आ गई बेटा एन, जिम्मे बेटा सिक्स है सिक्स में लिख लिया टू इंटू थ्री बेटा दिस वन, ओके बिकॉज एन इज नॉट प्राइम, जिम्मे एट टू इंटू फोर बेटा समथिंग दिस, ओके एन इक्वल टू ए बी, सो बेटा वी राइट ए मोड टू एन बी कॉन्करेंट जीरो मोड एन सॉरी दिस वन इक्वल टू जीरो, अपने की प्रूव करना है बेटा बी एन प्राइम है, अपने कंसीडर कर लिया एन इज नॉट प्राइम नंबर कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर वी राइट दिस इक्वल टू जीरो, वी राइट दिस आल्सो ए इनटू बी कॉन्करेंट जीरो मोड एन, बेटा यू राइट एज राइट, बेटा दिस वन पॉसिबल बिकॉज ए बी किस दे इक्वल है बेटा एन,
b divide n by n, then remainder is 0. Okay, you know is the meaning ki hai beta, v divide n a b divide a b by n, theek hai, we write remainder. So beta a into b because n, n divide n, this one. Okay beta, clearly a not equal to 0, b not equal to 0 beta. Okay, na a 0 hai beta, na b 0 hai, because a b, where a and b greater than 1, a and b are not 0. Ki lagdi beta, contradiction, because apan ki given hai putt, z n ki hai integral domain, integral domain di definition ki si putt, without 0 divisor, without 0 divisor de vich ki aana chahida si putt, 0, but a ki nahi aaya putt, 0 nahi hai. So our supposition is wrong. So n ki aa gaya beta, prime number. Okay, hun beta conversely apa prove karna beta ore, conversely let n is prime number. To prove, key prove karna beta, Zn is an integral domain. Apne integral domain prove karna beta. Zn key prove karna beta apne integral domain. Okay, clearly beta main example de vich assi Zn is commutative and has unity. Okay, apne key prove karna beta, to prove Zn Zn has without zero divisor. Okay, if Zn is without zero divisor, beta apne prove karna. Okay, without zero divisor le apne ki prove karna beta, we consider a into b concurrent zero more n. Okay beta, is the meaning ki hai beta, n divide, apne prove ki karna hai, let to prove beta a is na without zero divisor the definition, if a b equal to 0, a equal to 0, b equal to 0, to prove a equal to 0 and or, clear up the point, we prove this. Okay, beta is the meaning ki hai, n divide a b, n ki hai putt prime, so n divide a or n divide b. For example 3 divide 12, 3 divide 12 unke likh sakde hain 3 into 4, 3 into 2 into 6. Beta dekho ek number nu je 3 prime hai, clear hai 3 prime hai beta, 3 divide 1 number. So 3 n divide a or n divide b. Okay dekho eh a beta, eh b, 3 divide n divide a, n divide b. Okay beta, we write this beta, n is a nu divide kar raha hai, then actually clear hai n ki da multiple hai putt, a ki da multiple hai n da, or b ki da multiple hai beta n da. Okay, hun beta a kis te divide ho raha hai, n te, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਐਨ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਨ ਏ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏ ਕੰਕਰੈਂਟ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬੇਟਾ ਸਟੈਪ, ਏ ਕੰਕਰੈਂਟ 0 ਮੋਡ ਐਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਨ ਏ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 0, ਔਰ ਬੀ ਕੰਕਰੈਂਟ 0 ਮੋਡ ਐਨ. ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ ਐਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਨੋ ਐਨ ਪੀ ਕੰਕਰੈਂਟ 0 ਮੋਡ ਐਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਏ ਐਨ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ. ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਏ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ. ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ ਬੇਟਾ. ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਓਰਮ. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਏ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 1, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਥਿਓਰਮ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ a commutative ring
commutative ring with the identity one with identity one, okay, one not equal to zero, is an integral domain, is an integral domain if and only if cancellation law hold for multiplication. Cancellation law hold for multiplication. Beta, prove that a commutative ring with identity 1 is an integral domain if both cancellation law hold. ठीक है पुत्र, prove. Let R is commutative ring with unity of identity beta, is an integral domain. ओके, अपने की प्रूव करना है बेटा, बोथ कैंसलेशन लॉ होल्ड. सो कैंसलेशन लॉ दी की सी बेटा, लेट ए बी इक्वल टू ए सी, फर्स्ट भी प्रूव लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ए नॉट इक्वल टू जीरो, टू प्रूव बी इक्वल टू सी. बेटा मैं लास्ट वीडियो विच लिखाई सी बेटा डेफिनेशन कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन बेटा फॉर मल्टीप्लीकेशन. ओके बेटा, ए बी माइनस ए सी फ्रॉम दिस, a b minus c equal to 0 by definition of integral, because apna integral domain ki bana, integral domain means integral domain di definition ki si beta, a equal to 0 or b equal to 0, a b equal to 0, so a not equal to 0, b is the equal ho gaya c. Similarly beta, we prove right cancellation law, this one is a left cancellation law. Conversely beta, बेटा कन्वर्सली जब अपन कैंसलेशन लॉ गिवन है, ठीक है, लेफ्ट आर इज कॉमोटेटिव रिंग विद द आइडेंटिटी वन, बेटा विद द आइडेंटिटी वन, ठीक है, इन विच कैंसलेशन लॉ होल्ड. To prove R is integral domain, beta apne integral domain prove karna hai. So commutative bhi hai, identity bhi hai. Integral domain teen conditions hi beta. Commutative, identity, matlab unity and without zero divisor. Commutative given hai, identity given hai, apne ki prove karna hai beta without zero divisor. So we write AB equal to zero. बेटा वी राइट ए बी इक्वल टू ए इंटू जीरो, बेटा लास्ट वीडियो दे विच प्रूव सी ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो यू सी, सो ए बी माइनस जीरो, सॉरी 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 सॉरी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ठीक है बेटा, की आ गया बेटा बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अपन वे की प्रूव करना है बेटा b इक्वल टू जीरो, देन b इक्वल टू जीरो बिकॉज बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. सो बेटा वी राइट ए बी इक्वल टू जीरो टू प्रूव a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, वी कंसीडर a नॉट इक्वल टू जीरो टू प्रूव b इक्वल टू जीरो, a b इक्वल टू a इनटू जीरो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ b इक्वल टू जीरो. सो बेटा ए सी इंटीग्रल डोमेन, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस फील्ड बेटा इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.